गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं ज्योति असवाल और लेकर आ चुकी हूं आपके लिए दो मंदिर की अनबॉक्सिंग। इसको ऑलरेडी मैंने अनबॉक्स कर रखा है, ये दोनों मैंने अमेज़न से मंगाया है। दोनों आप देख सकते हो, दोनों सेम ही लुक का है बट दोनों के साइजेस में काफी डिफरेंस है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये सारे में क्या क्या खासियत है, क्योंकि आप लोग जो भी नॉर्मली ऐसे बाजार से मंदिर लेते आए होंगे तो वो इतना अलग सा नहीं होता है। क्योंकि देखो ये फर्स्ट मंदिर है इसका, ये जो आप नीचे का देख रहे हो एरिया ये अभी ऊपर होगा। इसको मैं भी खोल कर लगाऊंगी, ये दोनों पेचकस को पहले खोल देते हैं। इसको करना बहुत ही सिंपल है, पहले तो इसको सेटअप करते हैं। अभी आपको ये मंदिर पूरा सिंपल सिंपल सा लग रहा होगा, जैसे कि ये वाला आपको मंदिर दिख रहा होगा कि यार ये तो काफ़ी सिंपल है, ऊपर का टॉप कुछ है ही नहीं। बट टडा, अभी मैं आपको मैजिक दिखाती हूँ। तो ये देखो टडा, ये है मंदिर का फुल लुक। तो देख सकते हो आप यार, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये हमारा मंदिर। तो ये हमने अनबॉक्स कर दिया है, अब आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या खासियत है। सबसे पहले मैं आपको इसमें पीछे दिखा दूँ, जो लोग मंदिर अपने दुकान वगैरह में लगाने के पर्पज़ से ले रहे होंगे तो इसमें ये टांगने की व्यवस्था भी है, दो तरफ से एंगल दिया गया है। पीछे पूरा सिंपल है। अब बात कर लेते हैं आगे की। तो आगे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पर आपको ड्रॉर मिल जाते हैं। एक तो ये ड्रॉर जिसमें कि आप कुछ कुछ सामान वगैरह रख सकते हो, एंड दूसरा ये यहाँ पर जो है ना, आप दिया वगैरह या फिर अगरबत्ती रखने का स्टैंड जो होता है वो आप रख सकते हो। और ये काफ़ी बड़ा सा है, ये आपका निकल भी जाता है, ये देख लो। तो होता क्या है कि जब हम लोग यहाँ पर रख करके मंदिर में पूजा करते हैं तो पूरा अंदर ये वाले एरिया पूरा राख राख भर जाता है, जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पसंद आता है। तो ये चीज़ आप इस पर रख करके आराम से पूजा कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है, मैंने उसको व्हाइट एंड ऑरेंज रेड कलर का मंगाया है। इसमें इसको आप लोग घर पे भी सेटअप कर सकते हो। अगर आप नीचे रखना चाहते हो तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसा चार स्टैंड दिया हुआ है, आराम से आप इसको नीचे इस तरह से खड़ा भी कर सकते हो। ये स्टैंड यहाँ पर लॉक करने का ऑप्शन होता है, जैसे इसको मैंने खोला है, इसको यहाँ पर आप इस तरह से इस स्क्रू की मदद से आप वापस से लॉक भी कर सकते हो। सो ये आराम से आपका फिट हो जाएगा एंड परफेक्टली। अब बात कर लेते हैं ये वाले की। मैंने इसको सेम चीज को मैंने दो तरीकों से मंगाया था, क्योंकि मुझे देखना भी था कि यार बड़ा वाला सही है छोटा वाला। तो आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर आपको छोटे छोटे मूर्ति को रखना है तो आप ये वाला प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको बड़ा फोटो फ्रेम वगैरह रखना है या बड़ी मूर्ति रखनी है, देन इसको पहले तो भाई अनरैप करते हैं। तो ये हो चुका है अनरैप, एंड देखो सेम इसमें भी पीछे साइड में दो हुक्स आपको देखने को मिलते हैं जिससे कि आप इसको लटका सको। हाँ ये थोड़ा सा भारी है। भी अगर आपको मैं नीचे की तरफ दिखाऊं तो देखो कुछ इस तरह का मंदिर दिया हुआ है, तो इसको मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। तो अब करना बहुत सिंपल है, आप इसको आराम से घर पर भी ये कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो अभी जो हमारा ये जो मंदिर है सिंपल सिंपल लग रहा था, तो ये देखो अंदर से निकला है ये, जो कि इसके ऊपर हमें यहाँ पर सेट करना है वही जो स्क्रूज हमें मिले थे उसकी मदद से। सो ये कुछ ऐसे सेट हो जाएगा, जो ये देख लो, ये काफ़ी प्रिटी सा लगता है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ ज़्यादा फंक्शंस नहीं है, बस एक बहुत बड़ा सा आपको ड्रॉअर देखने को मिलता है, ये देख लो कुछ इतना बड़ा सा आपको अंदर ड्रॉअर मिल जाता है। इसमें आपका कैंडल्स वगैरह रखने वाला चीज़ नहीं है। अगर आप चाहो तो इतना खोल करके रख करके यहाँ पर भी पूजा वगैरह कर सकते हो। इसके अंदर से हमें ये प्लेट देखने को मिलता है, जो कि आप सिंपली इसको यहाँ पर ऐसे करके रख सकते हो। तो इतना करके आप पूजा वगैरह करो। और इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी प्यारा लगा, और वाइट एंड ऑरेंज कलर में बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें और भी कलर ऑप्शन थे लाइक रेड एंड गोल्डन वगैरह का, बट मुझे ये सबसे प्यारा लगा। आपको कौन सा पसंद आया हमें कमेंट में बताना, ये वाला या फिर ये वाला आप कौन सा प्रेफर करोगे। बाकी दोनों के बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, इसे ज़रूर से बाय कीजिए, क्योंकि दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, पूरा पूजा वाला टाइम आ चुका है।